हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से कोई बुरा बनना चाहता है? नहीं, सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं। सो हाउ टू बी ए गुड पर्सन, व्हाट चेंजेस इन आवर बिहेवियर वी कैन ब्रिंग जिससे कि हम अच्छे बन जाएं। अगर हमारी आदतें बदल जाएंगी तो ये जीवन संवर जाएगा। आदतें हमेशा वह नहीं होती जो आपको कि डिसिप्लिन में रहने की या अनुशासन में रहने की वजह बताती हैं। कुछ हमारे अंदर बिहेवियर में कुछ कमियां होती हैं, कुछ फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे करीबी, हमारे रिश्तेदार सब के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और कई बार ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि हमारी बात जो आते हैं वो अच्छी बनेंगी और कौन सी आदतों में हमको बदलाव की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज़ अपनी बात मनवाना। कि वो ये कुछ लोग क्या को अपनी बात सही लगती है और फिर वो चाहे खुद गलत भी होते हैं लेकिन अपनी बात लोगों से ज़बरदस्ती जीत करवा करके मनवा लेते हैं, खुद के फैसले लेते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते। कभी दूसरों के घर में भी जाएंगे ना तो हमेशा वैसा का वैसा व्यवहार करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, सबकी पसंद नापसंद इच्छाओं वगैरह को जानना चाहिए। और अगर आप कोशिश करें उनसे सहमत हों और अपनी बात पर अड़े नहीं रहें। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो भी लॉजिकली उस चीज़ के ऊपर उसको सोचिए थोड़ा सा, केवल अपनी बात मनवाने के लिए ही ज़बरदस्ती आप अड़े मत रहिए। ओके, द सेकंड स्टेप इज़ कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़रूर से ज़्यादा सोचना भी क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर। कोई भी काम नहीं हो, कोई भी काम करते वक्त यही सोचेंगे कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये चीज़ ख़राब नहीं हो जाए। हर एक चीज़ का रिजल्ट और कंक्लूजन पहले से ही निकाल लेते हैं। अगर आपका कोई फैसला गलत हो गया है और जिसको बदलना मुश्किल है, या आपका किसी से झगड़ा भी हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से बिल्कुल बचिए। और जो स्थितियाँ सोचने से बदली नहीं जा सकती उन पर आपका टेंशन या तनाव लेना बिल्कुल बेकार है। होता क्या है कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होने से या तो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे या बहुत दुखी रहने लगेंगे और आसपास के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस बातों से ओवरकम करना सीखें और नए कामों में अपना ध्यान लगाना शुरू करें। थर्ड थिंग इज़ की हैबिट ऑफ आप काम को आगे से आगे टालते रहते हैं। अगर किसी ने आपसे मदद मांगी है, कोई काम करने के लिए बोला है, तो समय रहते उसको कर दें। अगर नहीं कर सकते तो उनको बिल्कुल मना कर दीजिए कि भाई सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। किसी काम को आप लंबे टाइम तक विद हेल्ड रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर आप उनको क्लियरली मना कर देंगे तो वो आप पर डिपेंड नहीं रहेंगे, इंतज़ार भी नहीं करेंगे और कुछ पल के लिए हो सकता है थोड़ा सा उनको बुरा लगे लेकिन फिर आप वो आपकी सिचुएशन को समझ जाएंगे, इससे आपकी जो इमेज है वो ख़राब नहीं होगी। देन कम्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज़ छोटे छोटे झूठ बोलते हैं लोग, भले ही छोटे हों या बड़े हों, झूठ तो झूठ ही होते हैं। उस समय आप उस काम से सिचुएशन से बच जरूर हो जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इतने हानिकारक सिद्ध होंगे जिसकी हना हद नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ऐसे में गलती को बचाने के लिए, परिस्थिति से बचने के लिए आप हमेशा झूठ बोलते रहेंगे और हो सकता है कभी आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, तो छोटे छोटे झूठ बोलने से बचें। देन कम्स स्टेप नंबर 5, सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी। आप सोच रहे होंगे कि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, पर माय डियर फ्रेंड्स मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर आदमी को नहीं देना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आप जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे उतनी ही असल दुनिया से आप दूर होते जाएंगे। और ये भी भूल जाते हैं आप, इसके बावजूद आप घर पर जो समय बिताते हैं, इस पर जो आप सोशल मीडिया को देते हैं, उस पर कितना टाइम आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना टाइम वेस्ट होता है। जो आपसे बड़े हैं या जो इनको लत नहीं है, जिनको इन चीज़ों की, एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपका ध्यान तो हमेशा मोबाइल में ही रहता है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। देन कम्स द स्टेप नंबर 5, दैट अपनी गलती को दूसरों पर थोपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। आपने गलती की है तो इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही आसान है, पर इसका असर आपके ही जीवन पर और आपके फ्यूचर पे भी पड़ेगा। आपकी इमेज खराब होगी, साथ ही लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। ऐसे में अगर आपकी गलती है तो उसको स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए उसके लिए और आगे सबक लेकर इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेप्स थे जिससे वी कैन ट्राई टू बी अ गुड पर्सन एंड अ बेटर पर्सन एंड वी कैन लिव अवर लाइफ हैप्पीली। सो अकेलापन महसूस मत करिए, और आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं इसकी वजह बाहर नहीं होती, हमको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको खुश रहना है तो अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और इन खराब आदतों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।